चुड़ैल की सब्जियां। पिताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सब्जी बेचने जा रहे हैं। बिना जाए गुजारा भी नहीं है बिटिया, अभी इस पिता के कंधे पर जवान बेटी का घर बसाने की भारी जिम्मेदारी है। किशनगंज गांव में रहने वाला माधव अपनी 19 साल की बेटी कंगना के साथ रहता था। माधव सालों से सब्जियां बेचा करता था, आज भी वह बीमार हालतों में सब्जियों से भरा हुआ ठेला लेकर चल देता है। आलू ले, बैंगन ले, पालक ले, मेथी ले, आ जाओ भैया ले जाओ ताजी हरी सब्जियां, भैया आ जाओ ले जाओ। जेठ की लुभरे मौसम और कड़कती धूप में सर से पांव तक वह पसीने से सराबोर हो जाता है कि अचानक धूप की तेज किरणों से उसका सर जोर से चकरा कर एक नुकीले पत्थर पर लग जाता है। हे ईश्वर, कोई बचाओ, लगता है आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसके सर से बहता खून पूरी जमीन को रंग देता है और माधव की जान चली जाती है। गांव के कुछ लोग माधव की लाश को उठाकर ले आते हैं, जहां कंगना रोती हुई कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जन्म के वक्त माँ छीन ली और आज पिताजी भी मुझे छोड़ गए। बस कर कंगना बिटिया, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तूने। कंगना हिम्मत बांध कर अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और चिता के पास बेसुध होकर रात भर फूट फूट कर रोती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सकूं, लेकिन हिसाब किताब में तो मेरा जोड़ घटाव एकदम ठीक है, मैं भी अब से सब्जी बेचूंगी। वह पाई पाई जोड़ कर मंडी से सब्जियां खरीद कर उन्हें बेचने के लिए गांव के सब्जी बाजार में ठेला लगा कर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, ये भिंडी कैसे दी? 10 रुपए पाव है बाबूजी। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही सस्ती और ताजी सब्जियां बेच रही हो, बाकी सब्जी वाले ने तो लूट मचा रखी है, सुनार के भाव सब्जियां बेच रहे हैं। ये सुन बाकी के 3 ठेले वाले गुस्से से बौखला कर कहते हैं, अरे पप्पू, ये तो तेरा ग्राहक है ना, देख आज इस छोकरिया से सब्जियां ले रहा है, फोन तो मेरा भी खोल रहा है, एक बार तो इसको धमकाना ही होगा। तीनों अपना ठेला छोड़कर कंगना से कहते हैं, अरे ओ 2 टके की छोकरी, ये हमारा अड्डा है, हटा अपना ठेला यहाँ से। हमसे दुश्मनी मोल लेना तुझे भारी पड़ेगा। मैं तो आप तीनों को जानती भी नहीं, तो दुश्मनी का सवाल ही कहाँ उठता है। हमारा हक मारा है तूने, अरे हम बरसों से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उठा अपना ठेला और चलती बने यहाँ से। लेकिन ये तो ग्राहकों के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ का सौदा पसंद आए, उन्हें मेरी सब्जियां सस्ती लगी तो उन्होंने खरीदा। गुस्से से बौखलाकर वो तीनों सब्जियों से भरा ठेला पलटकर चल देते हैं और आए दिन उसको परेशान करते, फिर भी कंगना हार नहीं मानती थी। उसकी सब्जी की दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। कल तक हमारे गल्ले सब्जियों की बिक्री से नोटों से ठकम ठेल रहते थे, कल की आई 2 टके की छोकरी के चलते पाव भर सब्जी बेचना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बाजार एकदम सुनसान होने वाला है, आज इसको आखिरी बार धमकाते हैं। कुछ घंटे बाद बाजार में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाने के साथ वो कहते हैं, बड़ी कमीनी किस्म की छोकरिया है तू, लात समझाने पर भी तूने सब्जी बेचने का धंधा बंद नहीं किया। हमारे पेट पर लात मारने में तुझे मजा आ रहा है ना, आज तू मरेगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हटो। रुक, अभी मजा चखाते हैं तुझे। रुपेश और अजीत उसका हाथ पकड़ते हैं और पप्पू ठेले का तराजू पलटाकर उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिसके साथ उसके सर से खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। आह, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लूंगी। ये तो मर गई, अगर किसी ने इसको पहचान लिया तो? ऐसा नहीं होगा, इसकी लाश को भाजी तरकारी की तरह काटकर सड़ी गली सब्जियों के गड्ढे में फेंक देंगे। तीनों कसाई उसको फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, नहीं छोड़ूंगी, लौट आई हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन गुजरते ही एक रात अजीत कहता है, सब्जियां बेचते हुए पता ही नहीं चला कि रात कब हुई, मुझे घर जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही अजीत पलटता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। अचानक जोरदार आंधी उठती है। अरे तूफान कैसे उठ गया, मुझे जल्दी से घर भागना होगा। वो जैसे ही ठेले को बढ़ाता है, चुड़ैल उसके ठेले पर ढब से कूद पड़ती है। चुड़ैल के आगे लटके हुए बालों को देख अजीत पूछता है, कौन हो तुम? सारे टमाटर फोड़ दिए,
इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? चुड़ैल जोर शोर से रोती हुई बाल हटाकर कहती है, कहो तुम मैं हट जाना भर दूं सब्जी लेकर। चुड़ैल की लाल स्याह खूनी आंखें और विशाल रूप देख अजीत ठेले से दूर जा गिरता है। अरे अरे बाप रे तू, आज तो मैं तेरी चटनी बनाऊंगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसकी अंतरियों के आर पार करके उसे खत्म कर देती है और ठेले की सारी सब्जियां सफा चट करके लंबी डकार मारती है। आज ये चुड़ैल बहुत खुश है। एक तो मौत की नींद सुला दिया एक को, अब बचे दो। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद रुपेश और पप्पू बातें करते हुए कहते हैं, अरे अपना अजीत कहाँ लापता है? दो हफ्ते बीत गए पर ना उसका ठेला नजर आ रहा है और ना वो। हो सकता है उसके हाथ लॉटरी लग गई हो, इसीलिए सब्जी बेचना छोड़ दिया होगा। 10 बज गए यार, अब कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने तो आने से रहा, चल घर चलते हैं। दोनों अपनी सब्जियों का ठेला बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल उनके पीछे आवाज लगाती हुई ठेला बढ़ाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। ऐसे आखिर कैसे चलेगा सब्जी बेचने का धंधा? आवाज सुनकर दोनों चुड़ैल की तरफ पलटते हैं कि पप्पू चुड़ैल के पास बढ़कर कहता है, अरे तुम सब्जी वाली हो कि कबाड़ी वाली? ये बिखरी जुल्फे गंदे कपड़े पहनकर सब्जी बेचोगी तो ग्राहक तो क्या फकीर भी नहीं आएगा। पर तुम तो आ गए ना मरने के लिए। चुड़ैल तू फिर लौट आई? अरे रूपे कुछ कर वरना ये चुड़ैल मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। चुड़ैल पप्पू को काली शक्तियों से बैंगन में बदल कर कहती है, अब देख कैसे मैं तेरा बर्ता बनाती हूँ। चुड़ैल उस बैंगन को आसमान में उछाल कर अपनी आंखों की ज्वाला से झुलसा कर बैंगन बने रुपेश को मसल देती है। इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं मुझे गांव भागना होगा। पप्पू 100 की रफ्तार से गांव की तरफ भागता है। चुड़ैल भी अपने सब्जी के ठेले के साथ उसके पीछे भागती है। कहां भाग कर जाएगा, आज तुझे मरना ही होगा। पप्पू गांव में बैठे लोगों की झुंड के बीच आ गिरता है। अरे भाई कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चुड़ैल, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। चुड़ैल सब्जी से भरे ठेले को पप्पू की ओर धकेल कर कहती है, तुझे मरने से गांव वाले तो क्या यमराज भी नहीं बचा सकता। अरे सरपंच जी ये तो अपनी कंचन है। पर अब ये इंसान नहीं चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल पप्पू को उठाकर सब्जियों के ठेले पर धोबी पछाड़ मार कर कहती है, मुझे मारा था ना अब तू भी मर। रुको आखिर क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और पूरा गांव आंधी की चपेट में आ जाता है। बेचारा नहीं कसाई है ये, इसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मार कर मेरी बोटियों को सब्जी के खत्ते में फेंक दिया था। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे माफी दे दो चुड़ैल। छोड़ दो चुड़ैल इसको। मैं इस हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। खबरदार जो किसी ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। चुड़ैल गांव के लोगों पर सब्जियों की बरसात करते हुए अपने विशाल रूप में आकर पप्पू को अपने हाथ में उठाकर मसलते हुए खाने लगती है। नहीं नहीं आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तीनों हथियारों को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल की आत्मा सितारों की रोशनी के साथ गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो चुड़ैल आधी रात सब्जियों के ठेले के साथ दिखा करती थी। भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं जहाँ दो लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक करछी से उसे चलाकर कहती है,
अजी देखिए तो, ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है। जरा आप चखेंगे। चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी छुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मेरी चंपा रानी उनकी भी बोटियां बोटियां करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया कितनी देर में खाना लाओगे, यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना। हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून हड्डियाँ कटा सिर और कटी उंगलियाँ होती हैं। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा, आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भरकर। खून, ये क्या मजाक है, हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर हड्डी खून पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। ये क्या बदतमीजी है, हम यह खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिला कर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत, अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए, ये दोनों तो भूत हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे, अब बताओ खाओगे या मरोगे। भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं। वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है, तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, विराट रोहित कुछ करो, यहाँ से चलो। रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़ कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है, तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो दो चार चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं, तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया। हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके, जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता, तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था, और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया, कैंडल लाइट डिनर डेकोरेशन कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी अभी लाया, ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी हड्डियाँ खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे सिर खून उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी खून और शरीर के टुकड़े हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ, चलिए अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए।
तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली, ये जो ये उंगलियां, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा, आओ हमारे साथ भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। प्लीज हमें बख्श दो, जाने दो हमें। नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिला कर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं, तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो, मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसे हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास दो गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं। हाँ दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मार कर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी, अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा। इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी आप सही कह रहे हैं, जाने अनजाने हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। मनोरमा को डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है, जिसके बाद सुरेश मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाता है और मनोरमा की डिलीवरी होने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मनोरमा के रूम से बाहर निकलता है और बोलता है, बधाई हो सुरेश जी, आपकी 3 हमशक्ल बेटियां हुई हैं। मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। लोगों के जुड़वा बच्चे तो होते हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार अपनी जिंदगी में औरत की 3 लड़कियां होते हुए देखा है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुरेश मनोरमा के पास जाकर सामान पटकते हुए बोलता है, ये क्या, मुझे लड़कियां नहीं लड़के चाहिए, और भगवान ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां दे दी हैं। मैं इनका पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं इन्हें कूड़ेदान में फेंकने जा रहा हूँ। नहीं सुरेश जी, आप मेरी बच्चियों को मुझसे अलग नहीं कर सकते, आखिर आप बाप हैं या कसाई। सुरेश अपनी पत्नी की एक न सुनता, जिसके बाद वो अपनी 2 बेटियों को अपनी गोद में उठाता और हॉस्पिटल से 120 किलोमीटर की दूरी पर कूड़ेदान में अपनी दोनों बेटियों को फेंक देता है और वहां से चले जाता है। एक तरफ तो सुरेश अपनी अपनी बेटियों को फेंक कर अपनी पत्नी के पास आ जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास को कूड़ेदान में 2 लड़कियां रोती हुई दिखाई देती हैं। उन 2 लड़कियों को देख विकास अपनी पत्नी सुलेखा से बोलता है, सुलेखा देखो उस कूड़ेदान में 2 बच्चे रो रहे हैं, हमारी 1 भी औलाद नहीं है, क्या हम इन बच्चों को अपने साथ ले जाएं? हाँ विकास जी, इन बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी भी इतनी इनकम नहीं कि हम दोनों बच्चों को पाल सकें।
इस तरह विकास उन दो बहनों में से एक लड़की को उठा लेता है और अपने घर ले जाते हैं। इस तरह वो तीनों हमशक्ल बहनें अलग अलग तीन जगह हो जाती हैं। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। तीनों बहनें अब 12 साल की हो चुकी थीं। मनोरमा की बेटी का नाम मीनाक्षी था, सुलेखा की बेटी का नाम मोहिनी था और तीसरी बेटी कूड़ेदान में पड़ी हुई थी, उसको सब अनाथ लड़की कहकर बुलाया करते हैं। मीनाक्षी और मोहिनी दोनों की परवरिश बहुत ही अच्छे से हो रही थी, लेकिन बेचारी तीसरी बेटी वो कूड़ेदान में ही रह गई। वो दर दर की ठोकरें खाकर इधर से उधर भटकती है। ऐसे ही एक बार की बात है, तीसरी लड़की भीख मांग रही थी कि तभी एक अंजू नाम की समझदार औरत उस लड़की से बोलती है, अरे बेटा तुम कितनी खूबसूरत हो, भीख क्यों मांग रही हो? आखिर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाबा कहाँ हैं और मेरा नाम क्या है। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से खुद को इस कूड़ेदान में ही पाया है। उसकी ये बात सुनकर अंजू की आंखें भर जाती हैं और वो आंखों में आंसू लिए उस लड़की से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम्हारा नाम अनु है और ये कुछ पैसे ले लो, तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना, साथ ही खाने के लिए भी कुछ ले लेना। मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। और हाँ, अगर आज से तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछेगा तो तुम उसे अपना नाम अनु बताओगी। अनु अब उसकी बात से सहमत हो जाती है और खुशी से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ समय बीत जाता है और एक दिन फिर अनु किसी से खाने के लिए भीख मांग रही थी। बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राम 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 राम, अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि आकर तुम भिखारी के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है कि अगर लोग तुम्हें वहां से भगा दें तो तुम लोग फिर से मुंह उठाकर उनके पास आ जाते हो और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब मेरे सामने से निकल जाओ और अपना गंदा सा थोपड़ा मुझे दोबारा मत दिखाइयो। पर बाबूजी, मैंने कुछ नहीं खाया है। उस आदमी को अनु के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अनु को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और वहां से निकल जाता है। अनु के चेहरे पर अब थप्पड़ के निशान थे और अनु वो थप्पड़ सहन ना कर सकी, इसलिए थप्पड़ की वजह से अनु बीमार पड़ गई। लेकिन ये सब अकेली सिर्फ अनु ही नहीं सह रही थी, बल्कि उसकी दो हमशक्ल बहनें भी इन सारी चीजों से गुजर रही थी। जैसा जैसा अनु के साथ होता वैसा वैसा उन दोनों बहनों के साथ भी होता। इधर अनु के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे तो वहीं मीनाक्षी और मोहिनी के गालों पर भी थप्पड़ के निशान थे और अनु की तरह वह दोनों बहनें भी बुखार में तड़प रही थी। ये सब अचानक देख मनोरमा बोलती है, हे भगवान, हमारी बेटी अचानक ही बीमार कैसे पड़ गई? एक तरफ तो मनोरमा ये सब देखकर हैरान हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुलेखा अपनी बेटी के गालों पर थप्पड़ के निशान देखकर चौंक रही थी। विकास जी, देखिए हमारी फूल जैसी बच्ची के गालों पर थप्पड़ के निशान है। सुलेखा और मनोरमा अपनी दोनों बच्चियों को डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहां उन दोनों का इलाज होता है और कुछ समय बाद वो दोनों ही लड़कियां ठीक हो जाती हैं। एक तरफ तो वो दोनों ठीक होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ अनु अपने आप ठीक हो जाती है। ये सब उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन तीनों के साथ अपने आप ये सब हो क्या रहा है। मीनाक्षी और मोहिनी के पास तो उनके माँ और बाबा थे, लेकिन अनु के पास कोई नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अनु का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अनु मर जाती है। अनु के मरने के साथ साथ मीनाक्षी और मोहिनी भी अचानक ही मर जाती हैं और वो तीनों अब एक आत्मा बनकर इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते अचानक ही वो तीनों एक जगह टकरा जाते हैं, जहाँ वो तीनों एक दूसरे को एक जैसा देख कर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे जैसी हो, आखिर तुम दोनों कौन हो? ये तो मैं नहीं जानती कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हम तीनों एक जैसे दिख रही हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, आखिर तुम दोनों कैसे मरी? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मैं मर गई, लेकिन तुम दोनों कैसे मरी? मोहिनी और मीनाक्षी अब अनु को सब कुछ बता देती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करते हुए बोलती हैं, हो ना हो, हम तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, हमें इस राज के पीछे का सच जानना ही होगा। इतना कहकर वो तीनों उड़ते हुए मीनाक्षी के घर में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें मनोरमा सुरेश के साथ तीन लड़कियों जो कि एक जैसी दिखने वाली हमशक्ल थी वो फोटो देख अनु बोलती है, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि हम तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, हम तीनों के पीछे का राज अब इस घर में ही मिलेगा, इस घर की मालकिन ही अब हमें सब कुछ बता सकती है।
वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मनोरमा और सुरेश वहां आ जाते हैं, जहां वो उन तीनों आत्माओं को देख थोड़ा डर जाते हैं। वो तीनों चुड़ैलें मनोरमा और सुरेश को घेर लेती हैं और उनसे पूछती हैं, माँ आखिर हम तीनों का सच क्या है, कौन है हम तीनों, आज आप हमें हमारा सच बता कर रहेंगी। बताती हूँ मेरे बच्चों, सब कुछ बताती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है, मुझे 3 बच्चे हुए थे और वो तीनों कोई और नहीं, तुम तीनों लड़कियाँ थी। लेकिन तेरे बाप ने 2 लड़कियों को कूड़ेदान में फेंक दिया क्योंकि उन्हें एक लड़के की चाहत थी और मैं उन्हें एक लड़का नहीं दे सकी। और मुझे नहीं पता कि मेरी 2 बच्चियाँ आज तक कहाँ हैं। मैंने आज तक तुझे ही पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं उन दोनों के बारे में जानती ही नहीं वो कहाँ है। माँ आपकी एक बेटी को तो घर मिल गया, लेकिन एक बेटी आज तक कूड़ेदान में पड़ी रही। उसको ना तो किसी ने घर दिया और ना ही किसी ने माँ बाप का प्यार दिया। किस्मत देखो, भगवान ने हमें मार दिया। 2 लड़कियों को तो माँ बाप का प्यार मिल गया, लेकिन एक लड़की अपने माँ बाप के प्यार से वंचित रह गई। बाबा मैं आपसे पूछती हूँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा मुझे माफ कर दे, बेटे की चाहत में मैं अंधा हो गया था। मैं ये भूल गया था कि तुम दोनों भी मेरी बेटियां हो। लेकिन हाँ, जीते जी तो मैं तुम लोगों को अपना प्यार नहीं दे सका, लेकिन तुम लोगों के मरने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिलवाऊंगा। आज से तुम तीनों यहीं पर मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हें माँ बाबा होने का पूरा प्यार दूंगा। इस तरह वो तीनों चुड़ैल बेटियां अपने माँ बाबा के गले लग जाती हैं और अपने माँ बाबा के साथ रहने लगती हैं। करोड़पति चुड़ैल। धनी लाल जी, मैं बड़े ही उम्मीद से यहाँ आई हूँ। मेरे भूखे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। इस वक्त मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास नोटों के पेड़ लगे हैं क्या? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया, आज आते हैं भूखे नंगे की तरह मेरे पास, चल दफा हो जाए यहाँ से। गरीबी से जूझ रही मीठी को धनीलाल खूब खरी खोटी सुनाकर खदेड़ देता है और उसे ये मालूम न था कि दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देख रही है। जब मीठी वहां से जाने लगती है तब खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब इतनी रात को और किसका दरवाजा खटखटाऊं? कितनी बेबस और लाचार हूं मैं, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। गरीबी से हारी हुई मीठी मौत को गले लगाने के लिए अपने घर न जाकर एक अंधेरी पटरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसे उठाकर टांग ले जाती है और मीठी कहती है, हे भगवान, ये तो एक भयानक चुड़ैल है, अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे, छोड़ दे चुड़ैल मुझे। अभी तो तू अपनी जान देने वाली थी, फिर मर कर एक भूखी चुड़ैल का पेट भर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तालाब की मछलियों की तरह चटपटाना बंद कर और चल मेरे साथ। चुड़ैल मीठी को लिए उड़ते हुए खूबसूरत से बंगले के अंदर आकर उसे उतार देती है और एक बड़ा सा चमचमाता संदूक जिसमें अनेकों हीरे जवाहरात से गड़े हुए गहने और रुपए पैसे थे उसके सामने खोलकर कहती है, ये लो, तुम्हें जितने रुपए पैसों की जरूरत है इसमें से निकाल लो, देख क्या रही हो। इतना सारा धन तेरे पास आया कहां से चुड़ैल? कहीं तो करोड़पति लोगों के घरों में डाका तो नहीं डालती? करोड़पति को इंसान हो सकता है, चुड़ैल क्यों नहीं हो सकती करोड़पति? करोड़पति चुड़ैल अपनी तिजोरी में हाथ डालकर उसे कुछ रुपए और जेवर देती है और कहती है, जाओ मीठी और जाकर इनसे और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा कर लो। चुड़ैल तो इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती है, पर तुम अपना धन दौलत मुझे देकर मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद कर रही हो, तुम एक बहुत नेक चुड़ैल हो। चुड़ैल से मिले धन को लेकर मीठी अपनी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे ही हर रोज करोड़पति चुड़ैल बंगले में डेरा जमा कर रहती थी। तभी यह गरीब ठेले वाला उसके बंगले के बाहर की सड़क से गुजरते हुए कहता है, पता नहीं भगवान ने हम गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बनाया, इस महल जैसे घर में रहने वाला कितना सुख भोगता होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, चंदन चंदन। मेरा नाम कौन पुकार रहा है? पीछे देखो चंदन, ये मैं हूँ। हे भगवान, तुम तो चुड़ैल हो, भाग चंदन, वरना ये चुड़ैल तेरा नाम सत्य कर देगी। रुको चंदन, और बताओ कि तुम्हें किस सुख सुविधा की कमी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे कमी हो तो बताओ, ना मेरे पास रहने के लिए एक टिकाऊ घर है, ना खाने के लिए अच्छा खाना, पूरा दिन मेहनत करता हूँ,
तब जाकर रात को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। फिर जिस रोज मेहनत नहीं कर पाया उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चुड़ैल उसको अपने बंगले के अंदर ले जाती है और अपनी खजाने भरी तिजोरी को खोल कर कहती है, चंदन तुम्हें इनमें से जितने भी रुपए पैसे और गहनों की जरूरत है बेझिझक उठा लो। ये सब कुछ किसका है और बंगले का मालिक कौन है? इस बंगले की मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चुड़ैल के पास इतनी शानो शौकत? अब ज्यादा सोच विचार मत करो और तुम्हें जितनी धन की जरूरत है उठा लो। चंदन चुड़ैल से मिले धन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी लाजवंती कहती है, आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? लाजवंती, आज से हमारे दिन पलटने वाले हैं। अब हमारे घर की नींव भी मजबूत होगी और हम इस टूटे फूटे घर में एक दिन काटने की जरूरत नहीं। अब हम भी एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। पर इतना कुछ पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का जुगाड़ तो हो चुका, ये देखो। अरे अचानक इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये पैसे मुझे करोड़पति चुड़ैल ने दिए हैं। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? चुड़ैल भला किसी का घर क्यों सवारेगी? वो तो लोगों का घर उजाड़ना जानती है, लोगों का खून बहाना जानती है। पर वो चुड़ैल एक नेक और अच्छी चुड़ैल है, यकीन करो लाजवंती। पर अगर इन पैसों के पीछे भी उसका कोई छलावा हुआ तो? चंदन पूरी वारदात बताकर लाजवंती को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के दिए धन से अपनी खुशियां खरीदती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगती है। पर वक्त के साथ उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और लाजवंती कहती है, सुनो जी, नया घर बनाने में सारे पैसे लग गए। आप उस करोड़पति चुड़ैल से कुछ पैसे की मदद और मांग लो। हाँ, वैसे भी तो चुड़ैल अब पैसे का करेगी क्या। मैं उसके पास जा रहा हूँ लाजवंती। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल के बंगले में फिर से कदम रखते हैं, जहाँ चुड़ैल कहती है, चंदन तुम फिर से यहाँ? अरे चुड़ैल जी, मुझे आपके धन कुबेर मेरा मतलब मदद की जरूरत है। कुछ रुपए और दे दो हमें और मेरी मदद कर दो चुड़ैल। ठीक है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। चंदन हाथ बढ़ाकर ढेर सारे गहने और पैसे निकाल कर जाने लगता है, तभी लाजवंती चुड़ैल से कहती है, तुम कैसी चुड़ैल हो जो लोगों को मारने की बजाय उनकी गरीबी दूर करके उनकी मदद कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है? गरीब और जरूरतमंद की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये अमीरी मेरे किसी काम की नहीं। पर तुम ऐसे चुड़ैल बनकर इस बंगले में क्यों भटक रही हो? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रीमा अपने पति मनोहर और बेटे राजू के साथ भीमपुर गांव में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफी दयनीय थी, पर रीमा के हौसले काफी बुलंद थे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, क्या जीवन भर हम गरीबी में ही जीते रहेंगे? अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और जीवन देने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा। हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेकर कोई कारोबार शुरू कर दें? भाग्यवान, हम पहले ही इतने गरीब हैं, हम ये जुआ नहीं खेल सकते। व्यापार में मुनाफा और घाटा होना आम बात है, पर हमें अच्छे जीवन के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दोनों अपने घर को गिरवी रखते हैं, बैंक से ऋण लेकर थोक कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो करोड़पति हो जाते हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, ऐशो आराम सब आ जाता है। ये खबर गांव में रहने वाले संपत सेठ को पता चलती है। वो कहता है, इस गांव में मुझसे अमीर की गिनती में इन्होंने खुद को शुमार करके अच्छा नहीं किया। जाओ भीमा और गोपाल, इस करोड़पति रीमा को उसके परिवार समेत पार घाट लगा दो। ठीक है हुजूर, आपका हुक्म से राखो पर। रीमा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर घूमने जा रही थी, पर किसे पता था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, जिस कारण तीनों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और रीमा अपने तड़पते पति और बेटे को मरता देख कर चुड़ैल बन जाती है और वो उन गुंडों की बातें करते सुनकर कहती है, जिसने मेरी खुशियां उजाड़ी मैं उन्हें मार दूंगी। मेरा करोड़पति बनना ही मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण बन गया, पर मुझे खुशी है कि मेरा करोड़पति होना गरीबों के काम आ रहा है। जो दया जिंदा इंसान गरीबों पर नहीं कर पाते, वो तुम मरने के बाद भी कर रही हो। ईश्वर इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। इस तरह करोड़पति चुड़ैल मरकर भी लोगों की मदद किया करती थी।
चुड़ैल का डाकघर। रूपगंज गांव में कुछ समय से एक खतरनाक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा था। दरअसल वो डाकिया चुड़ैल अंधेरी रात में साइकिल पर सवार होकर गांव में आकर सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती थी, डाकिया डाक लाया चिट्ठी चिट्ठी। चुड़ैल हर रात सभी का दरवाजा खटखटाती, पर गांव का बच्चा बच्चा डाकिया चुड़ैल के कहर से वाकिफ हो चुका था। सुनो जी, ये चुड़ैल तो दरवाजा पीटे ही जा रही है। भाग्यवान चुप करो, इस चुड़ैल के कान बड़े तेज हैं। अगर उसने तुम्हारे सुख बुगाने की आवाज सुन ली तो आज ये डाकिया चुड़ैल हमारी मौत का पैगाम लिख डालेगी। चुड़ैल उनकी बातें सुनकर हंसती हुई कहती है, ये लुका छुपी का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। चुड़ैल वहाँ से गायब होकर किशोर की खिड़की से अंदर झांक कर कहती है, डाकिया डाक लाया। शातिर चुड़ैल झोले से चिट्ठी निकाल कर खिड़की के अंदर फेंक देती है और दरवाजा खटखटाकर छप्पर से चिपक जाती है। तभी किशोर की नींद खुलती है। अरे ये आवाज कैसन थी? अचानक किशोर के पैर चिट्ठी पर पड़ते हैं। बाहर का नजारा देखकर लागत तो ना ही है कि भोर हुई गवा, कहीं ये खूनी चिट्ठी उस डाकिया चुड़ैल की हुई तो। किशोर की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ने वाली थी कि चुड़ैल अपने माया जाल से घड़ी की सुई 3 से घुमाकर 6 पर कर देती है। अरे ससुरी, जाड़े का कोहरा भी इतना घनघोर छा जात है कि भोर का पता ही नहीं चल पावत है। खैर देखे तो जरा कौन की चिट्ठी आई है। किशोर वो चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, अगले ही पल तुम मरने वाले हो। चिट्ठी पढ़ते ही किशोर की आंत सिकुड़ने लगती है और खौफ के मारे आंखें बड़ी और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी डाकिया चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तुझे मरना होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, डाकिया चुड़ैल मेरे घर में घुस आई। चुड़ैल उसको मारकर सुबह के 4 बजते ही गायब हो जाती है। सवेरे गाँव में रोना पीटना लगा हुआ था। लाश चेतावनी देने के बावजूद भी किशोर ने चुड़ैल के खूनी चिट्ठी को पढ़कर अपनी जान गंवा दी। सरपंच जी, पहले वो डाकिया चुड़ैल हमारे पास ही आई थी, लेकिन हम बच गए। पर बेचारा किशोर डाकिया चुड़ैल के हत्थे जड़ गया। इस तरह एक बार फिर से रात होती है। डाकिया चुड़ैल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गाँव में दस्तक देती है और गुनगुनाते हुए कहती है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है चुड़ैल की चिट्ठी आई है। चुड़ैल सभी के घरों के आगे चिट्ठी रखते हुए उनका दरवाजा खटखटाती है, पर कुछ देरी बीतने के बाद चुड़ैल कहती है, ये 2 कौड़ी के कीड़े मकौड़े चुड़ैल से होशियारी करेंगे, इन्हें क्या लगता है ऐसा करके ये मुझसे बच जाएंगे। चुड़ैल गांव में रहने वाली सुरीली का दरवाजा खटखटाकर कहती है, आज तो मेरे बलि का बकरा यही बनेगी, मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर। चुड़ैल सुरीली के लालची स्वभाव का फायदा उठाती है। फिर सुरीली कहती है, बबलू जी सुना आपने, हमारे लिए मनी ऑर्डर आया है। अरे पगला गई हो का, ये उस डाकिया चुड़ैल का छलावा है। पर अगर सच हुआ तो? आप भी ना एकदम फट्टू हैं। अगर वो चुड़ैल होशियार है तो मैं भी कोई मंदबुद्धि नहीं। सुरीली खिड़की से झाँक कर बाहर नजर दौड़ाती है, तभी उसे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा और एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो लालच में आकर किवाड़ खोल देती है। अरे इन कड़क गुलाबी नोटों की खुशबू तो बड़ी लुभावनी है। डाकिया चुड़ैल कोहराम मचाते हुए सुरीली को घसीटकर मैदान में लाती हुई कहती है, तूने इस मनी ऑर्डर की लालच में अपने मौत का पैगाम बुलाया है। डाकिन चुड़ैल, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है सुरीली। चुड़ैल सुरीली को मौत देकर कहती है, जब तक मैं इस गांव को शमशान में नहीं बदल डालती, डाकिया चुड़ैल के मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुरीली को मौत देकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात कोई ना कोई शख्स अपनी जान गंवा रहे थे, जिसे देख सभी कहते हैं, सरपंच जी ये डाकिया चुड़ैल एक एक करके सभी को ढेर कर रही है। अब तो गांव में इक्के दुक्के लोग ही जिंदा बचे हुए हैं। ये डाकिया चुड़ैल हमें भी खाक में मिलाकर ही दम लेगी। अब इस चुड़ैल के खौफ से हमको सिर्फ मंदा ही बचा सकती है। गांव के अंतिम छोर में बसी टूटी फूटी झोपड़ी में
बूढ़ी मंदा अकेली रहा करती थी। सभी उसके पास आकर कहते हैं, सरपंच तू यहाँ अब क्या लेने आया है? मंदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन ये गांव वाले बेकसूर हैं। अब उस डाकिया चुड़ैल से सभी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तुम लोगों ने जो अपराध किया उसकी यही सजा है। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक दिन। आखिर मंदा किस घटना का जिक्र कर रही थी, जानने के लिए कहानी में थोड़े समय पीछे का रुख करते हैं। चित्रा, मैंने तेरी जरूरत का सब कुछ रख दिया है। चित्रा जैसे ही बैग लिए निकलती है, गांव के लोग कहते हैं, अरे लाख समझाने पर भी ये मंद बुद्धि मंदा समझने को राजी ही नहीं। बेटी ज्यादा को ज्यादा पढ़ावे लिखाए के का जरूरत है? और क्या करना, तो इसे भी चूल्हा चौका ही है। आप लोगों की इस छोटी सोच के चलते रूपगंज गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। ना एक अच्छा विद्यालय है, ना एक डाकघर। तू जा बिटिया और अपना सपना साकार करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे संग है। चित्रा शहर में पढ़ने के लिए आ जाती है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में फोन तो क्या, मेरे गाँव में एक डाकघर की भी व्यवस्था नहीं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं पढ़ लिख कर एक डाकिया बनूंगी, ताकि गांव से दूर रहने वाले परिवार के सदस्य को खत के द्वारा एक दूसरे का हालचाल पूछ सके। चित्रा की कड़ी मेहनत विशेष प्रभाव दिखाती है। सरकार से अर्जी पास कराकर वो अपने गांव में डाकघर का आविष्कार करके एक डाकिया के पद पर नियुक्त होकर अब चिट्ठियां लाया और ले जाया करती थी। डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। बिना मेरी इजाजत के तेरी जुर्रत कैसे हुई गाँव में डाकघर खोलने की? कल की जन्मी छोकरी कहीं की। सरपंच जी, इसमें हर्ज क्या है? जब से चित्रा बिटिया डाकिया बनी है, हम सभी अपने करीबियों का हाल चाल जान पाते हैं। हाँ, गांव में डाकघर की सुविधा होनी ही चाहिए, ताकि एक डाकिया ही तो कोसों दूर रहने वालों की भी चिट्ठी के द्वारा एक कड़ी से जोड़ता है। सभी चित्रा के पक्ष में बोल उठते हैं। ये बात सरपंच को रास नहीं आती और देर शाम जब चित्रा चिट्ठियां बांटकर लौट रही होती है, तब सरपंच उसे घेर कर कहता है, मामूली सी डाकिया क्या बन गई, तेरी तो गांव में धौंस जम गई है। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा रास्ता। मंगल के सामने दादागिरी न जाड़ो, वरना महंगा पड़ेगा। मंगल टेटुआ दबाद साली का, बड़ा इसका डाकिया बनना ही इसकी मौत की वजह बनेगा। और तूने उसको बेरहमी से मार डाला सरपंच। अंधेरा छाते ही एक बार फिर चुड़ैल तूफानी बवंडर मचाकर प्रकट होती है। आखिर आज मुद्दतों बाद तू मुझे मिल ही गया। आज मैं तसल्ली से तेरी मौत का पैगाम लिखूंगी। रुक जा चित्रा, छोड़ दे इसको। चुड़ैल गुस्से में बौखलाई सबके आपे से बाहर होकर विशाल रूप धरे सरपंच को अपने पैरों से रौंद कर मार डालती है। बस चित्रा, तूने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार डाला। अब रोक दे ये मौत का खेल और चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस गांव में दोबारा डाकघर बनवाना होगा और मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा, तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम वादा करते हैं। चुड़ैल उनकी आंखों से ओझल हो जाती है और रूपगंज गांव में चित्रा नाम से डाकघर का आविष्कार होता है और कल तक पिछड़ा हुआ रूपगंज गांव संपन्न और समृद्ध गांव की श्रेणी में शुमार हो जाता है।